और अब वक्त हो गया है जी आगे बढ़ने का और आपको रिपोर्ट कार्ड बताने का। कौन सा रिपोर्ट कार्ड? वैक्सीनेशन का रिपोर्ट कार्ड। पहले आपको रिपोर्ट कार्ड बताएंगे, फिर रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ एक बड़ी खबर बताएंगे वैक्सीन के हवाले से। साथ साथ श्रीनगर चलेंगे, जम्मू भी चलेंगे, जहां से हमारे साथ प्रिंसिपल जीएमसी जम्मू भी ज्वाइन करेंगी और श्रीनगर से हमारे नुमाइंदे भी ज्वाइन करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड क्या कुछ आज का है जी। पूरे यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है कि आज कुल मिलाकर 1244 वैक्सीनेशन सेंटर्स थे। सरकारी सेंटर कितने थे आपके सामने है और प्राइवेट सेंटर 15 थे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। आज कुल मिलाकर आज के दिन 4:45 बजे तक 5000 ये जो टोटल वैक्सीनेशन हुई है 5,40,525 वैक्सीनेशन जो है वो पूरे दिन के अंदर लगाने की बातें जो है वो सामने आ रही है। चलिए श्रीनगर आपके सामने है। आज दिन में यानी 4:45 बजे तक 3,271 वैक्सीन लगाए गए थे श्रीनगर शहर के अंदर। आज एक डोज 1,90,000 लोगों को लग चुकी है, दूसरी डोज 36,000 लोगों को से ज्यादा लोगों को लग गई है। लेकिन आज के दिन जब स्पेशल मुहिम छेड़ी गई थी लेकिन उसके बावजूद भी 4:45 बजे तक 3,271 लोगों के अंदर वैक्सीन लग गई थी। आखिरी तला मिलने तक अभी यह वैक्सीन कार्य का अमल लगातार जारी है श्रीनगर के बाद। अब देखते हैं जी क्या है जी। चलिए जी बड़गाम है, बड़गाम के अंदर एक बड़गाम के अंदर आज 3,990 लोगों को यहां पर आज वैक्सीन लगी है बारामूला के अंदर। और यहां पर भी प्राइवेट सेंटर कोई नहीं था, गवर्नमेंट सेंटर सारे थे। पहला डोज 2,17,000 लोगों को मिली है, दूसरी डोज 46,000 से ज्यादा लोगों को मिली है। तो कुल मिलाकर 3,000 लोगों में आज ये वैक्सीन लगी है बारामूला के बाद। बढ़िया जरा आगे कुपवाड़ा, कुपवाड़ा में आज कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 170 लोगों के अंदर वैक्सीन लगी है और यहां पर पहली डोज भी ज्यादा नहीं है, दूसरी डोज भी ज्यादा नहीं है, लेकिन टोटल वैक्सीन 1,01,609 लोगों में लग चुकी है। और अब इंतजार यह है कि यहां पर वैक्सीन कार्य का अमल तेज किया जाए। 17 सेंटरों पर आज वैक्सीन लगनी थी वहां पर जी। कुपवाड़ा के बाद अब शोपियां का जिला आपके सामने है और शोपियां के अंदर 3 साइट्स थी, तीनों सरकारी साइट्स थी, लेकिन आज वैक्सीन 4:45 बजे तक कितनी लगी? 30। लेकिन ये 30 क्यों लगी है थोड़ी देर में आपको समझ आएगा, जब हम दूसरी खबर पर आएंगे तो आपको पता लगेगा कि 30 ही वैक्सीने क्यों लगी है शोपियां के अंदर। चलिए जी पुलवामा के अंदर आज 285 यानी वैक्सीन उतने ज्यादा नहीं लगे हैं। प्राइवेट सेंटर भी एक था लेकिन उसके बावजूद भी वैक्सीनेशन का अमल जो था उतना तेज नहीं था। 285 लोगों के अंदर वैक्सीन लगी है आज, कुल मिलाकर 1,27,880 लोगों में वैक्सीन लगी। एक डोज 1,06,000 से ज्यादा लोगों में लगी है, 21,800 से ज्यादा लोगों में दूसरी वैक्सीन भी लगी है। दो वैक्सीन जो फ्री हुए हैं वो 21,000 लोग हैं। अब जरा आते हैं जी आगे, अब जम्मू की बारी है और जम्मू के अंदर टोटल जो है 5,000 वैक्सीन लगी थी। ये जी 4:45 बजे तक का फिगर आपके सामने है और यहाँ पर पहली डोज, दूसरी डोज और आज के दिन कितनी वैक्सीन लगी है 5,000 के आसपास। और जम्मू के बाद बढ़ते हैं जी आगे, रजौरी आपके सामने है जी और रजौरी के अंदर भी आज 3,340 लोगों के अंदर वैक्सीन लगी है। रफ्तार काफी बेहतर दिख रही है और यहाँ पर 1,12,000 में एक डोज लगी और 22,640 लोगों में दूसरी डोज भी लगी है। चलिए जी रजौरी के बाद बढ़ते हैं जी आगे। अब रियासी एक और जिला है जी, दूरदराज इलाका है, लेकिन 275 वैक्सीन आज टोटल लगी है वहां पर और हालात क्या है आपके सामने है जी। रियासी के बाद फटाफट से जरा आगे बढ़िएगा, उधमपुर जिला, यहां पर आज जो वैक्सीन लगी है उधमपुर के अंदर 3,440 लोगों में वैक्सीन लगी है।
और पहली डोज जो है 1,29,000 लोगों में लगी है और दूसरी डोज जो है वो 29,110 लोगों के अंदर लग चुकी है और अभी भी एक बड़ी आबादी है जिसको पूरा करना है, लेकिन 3,440 लोगों के अंदर आज वैक्सीन लगी है। और जब हम ये आंकड़े आपके सामने रख रहे थे चंद जिलों के अंदर, तो अभी भी वैक्सीनेशन का प्रोग्राम पूरी तरह से